उत्तराखंड के रुड़की में मालवीय चौक स्थित एक बैंक में रुपए जमा करने गई एक युवक से 22,000 रुपए की रकम लूट ली गई। वहीं युवक द्वारा घटना की सूचना तुरंत रुड़की कोतवाली गंग नहर पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर जाकर पूछताछ की। साथ ही बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे से कुछ फुटेज भी बरामद की। इस मामले में सीओ रुड़की सपन किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। वहीं पुलिस द्वारा अभी मामले में पूछताछ और छानबीन जारी है। यहाँ पर आगे उधर आगे हाथ से दुपट्टा मार के मार के भाग गए, मैं पीछे भी भागा उनके, आगे तक आईसीआईसीआई बैंक तक उनके पीछे भागा। इतनी देर में मैं सोचा मुझे बाइक है तो दूसरा बंदा साथ में था, तो कोई बाइक भी लेके साफ हो जाए। कितने बंदे थे वो? दो बंदे। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? कितने पैसे लिए आपके? 22,000। संबंध में जानकारी मिली है और सभी पहलुओं से घटना की जांच कराई जा रही है, उसके बाद ही इस संबंध में कोई सुसंगत टिप्पणी करना उचित होगा। जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसको वेरीफाई कराया जाएगा। साथ ही चेकिंग के निर्देश तत्काल दे दिए गए थे, वो चेकिंग अभी चल रही है। अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग निरंतर जारी है। जो भी चीजें तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में आएगी। बैंक ऑफ इंडिया के पास उसके द्वारा ये कहा गया है कि बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे जमा कराने आया था और उस दौरान ये घटना घटी है, दो लड़कों के द्वारा उसका पैसा छीन लिया गया। लेकिन इस संबंध में अन्य तथ्यों की भी और सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई अमल में।